Assalamualaikum students, welcome to Excellent College e-learning program. Previous lecture में हमने special features of periodic table इनके मतलब discuss किया था, जिसमें हमने पढ़ा था division of elements into groups, division of elements into blocks and division of elements into periods. इसके मतलब हमने study किया था. आज हम periodic table की कुछ families के मतलब study करेंगे. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल फैमिलीज के तौर पे स्टडी किया जाता है, तो उसके मतलब आज हम देखेंगे. उसमें जो सबसे पहली फैमिली हम देखेंगे वो है नॉर्मल एलिमेंट्स. नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. एस ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं और टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं. इनमें ए ग्रुप्स आते हैं. एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप पर मुश्तमिल है और पी ब्लॉक थर्ड ए से एट्थ ए तक, या जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं. तो इस तरह दो ग्रुप एस ब्लॉक के और छः ग्रुप पी ब्लॉक के, ये आठ ग्रुप टोटल बनते हैं, आठ ए ग्रुप्स. These belongs to normal elements or typical elements. Periodic table में देखें हम तो पहली दो रोज आती हैं, फिर उसके बाद डी ब्लॉक की 10 कॉलम डी ब्लॉक के छोड़ के आगे फिर 6 कॉलम आते हैं पी ब्लॉक के, तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक के. डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. जनरली जब हम लफ्ज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं तो उससे ज़्यादातर मुराद लिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तौर पर ज़्यादा स्टडी करते हैं. लेकिन बेसिकली ये दोनों ब्लॉक्स ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. इनको आगे हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब हम देखते हैं कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन को कहते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन को कहते हैं. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं. इसकी हमने एग्जाम्पल दी है सेकेंडियम. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. इसका जो शेल फिलिंग प्रोसेस में है वो तीसरा है, जबकि इसका आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल है. इसका मतलब कि अगर हम बाहर से देखें तो इसका सेकंड लास्ट शेल इज इन फिलिंग प्रोसेस. उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, उसमें हम लैंथेनम की एग्जांपल लेते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 57 है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f1. अब इसमें जो शेल फिलिंग प्रोसेस में है वो फोर्थ शेल है, और इसके टोटल शेल आप देखें तो 6 शेल हैं टोटल, जबकि फिलिंग में फोर्थ शेल है, यानी कि थर्ड लास्ट शेल जो है दैट इज इन फिलिंग प्रोसेस. अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनमें जो शेल फिलिंग प्रोसेस में होगा दैट विल बी सेकंड लास्ट, जबकि एफ में जो फिलिंग में होगा वो होगा थर्ड लास्ट. अब अगर हम बाहर से देखें तो सेकंड लास्ट आउटर साइड पे आएगा और थर्ड लास्ट इनर साइड पे आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर शेल यानी कि सेकंड लास्ट फिलिंग प्रोसेस में है और एफ ब्लॉक में थर्ड लास्ट फिलिंग प्रोसेस में है,
तो इससे हमें पता चलता है कि एफ जो है वो इनर का होता है और डी जो है वो आउटर का फेल होता है। इस निस्बत से या इस वजह से हम ये कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मतलब, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये स्पेसिफिकली एमसीक्यूज़ वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, जिसका जैसा कि आपके सामने पीरियोडिक टेबल में शो होगा, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेस पे, पीरियोडिक टेबल के बेस पे मेन बॉडी के नीचे दो लाइनें दी गई हैं, सीरियम से शुरू होकर लॉरेंसियम तक है और थोरियम, सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीटियम तक है और थोरियम से शुरू होकर लॉरेंसियम तक है। पहली लाइन दो थोरियम सीरियम से शुरू होती है, वो लेंथेनम के बाद आती है, इसलिए उनको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और ये सीरियम से शुरू होती है और ल्यूटीटियम तक चलती है, 14 एलिमेंट्स हैं ये। दीज बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड, इनका तल्लक छठे पीरियड के साथ है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आ गया एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से शुरू होती है और लॉरेंसियम तक जाती है, थोरियम से लॉरेंसियम तक, ये भी 14 एलिमेंट हैं क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं, तो इसलिए इनको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको प्रीडोमिनेंटली हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बजाय लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा आम देखे भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज सीरियम टू ल्यूटीटियम आफ्टर लेंथेनम और एक्टिनाइड सीरीज थोरियम टू लॉरेंसियम आफ्टर एक्टिनम। तो दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बाद हम देखते हैं कि कुछ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं जिनको हम फैमिलीज के तौर पे स्टडी करते हैं और उनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सिक्स मेंबर्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली लफ्ज बेसिकली ऐश से निकला है, लेकिन अब हम उसकी बेसिक मीनिंग, पहले तो इनके यही थे कि इनको अल्कली मेटल इसलिए कहते थे कि ये वुड ऐश से ड्राइव की गई थी, एक्सट्रैक्ट की गई थी, लेकिन अब जो हम मौजूदा दौर में अल्कली का मेटल मतलब लेते हैं वो है बेसिक इन नेचर। तो ये सारी की सारी मेटल्स हैं और इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, सो दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनके इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, इसमें तीन लफ्ज आते हैं, अल्कलाइन, अर्थ और मेटल्स। मेटल्स बिकॉज दे आर मेटेलिक इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रॉन लूजिंग एलिमेंट्स, के इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, सो इनको हम मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर,
वो बेसिक इन नेचर है, इसलिए इनको अल्कलाइन कहते हैं। अर्थ, अर्थ इनके नाम के साथ इसलिए आया कि इनके मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंटली पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में, अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में अबंडेंटली पाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ अर्थ आया। तो इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप, बेरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हैलोजन्स। हैलोजन्स सेवंथ ए ग्रुप को हम कहते हैं, सेवंथ ए ग्रुप। इसके मेंबर्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इनका आखिरी मेंबर जो है एस्टेटीन, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेयर पाया जाता है। इसलिए आम तौर पे जब हम हैलोजन्स की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी नहीं करते, पहले चार मेंबर जो उनको हम ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके नाम के साथ इनकी फैमिली का नाम यानी कि निक नेम इनका हैलोजन्स क्यों रखा गया? बिकॉज दे आर साल्ट फार्मिंग, दे आर स्ट्रॉन्गली नॉन मेटेलिक इन करेक्टर, के स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हैं एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, के एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, इसलिए इनके साल्ट्स कसरत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं साल्ट फार्मिंग यानी कि हैलोजन्स। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली जिसके मतलब हम स्टडी करेंगे, दैट इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनको हम एट्थ ए ग्रुप भी कहते हैं और जीरो ग्रुप भी कहते हैं। कुछ पीरियोडिक टेबल्स में इनको जीरो ग्रुप लिखा जाता है, कुछ में एट्थ ए ग्रुप लिखा जाता है, दोनों नाम इनके सही हैं। एट्थ ए ग्रुप भी कहते हैं इसको और जीरो ग्रुप भी कहते हैं। दीज आर नोबल गैसेस। नोबल बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है, यानी कि जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, बड़ा शरीफाना रवैया रखता है, बिहेवियर रखता है, उसको हम नोबल कहते हैं। तो इसी एतवार से बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दे हैव नो नीड टू लूज आर गेन आर शेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इनको ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, ना गेन करने की ज़रूरत है, ना शेयर करने की ज़रूरत है। सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल करेक्टर्स हम किसको कहते हैं? फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स। तो जो फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उनको कहते हैं दे आर केमिकली इनर्ट, कि ये केमिकली इनर्ट हैं। सो इसलिए इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस एट ए ग्रुप और जीरो ग्रुप। तो ये थी कुछ फैमिलीज। उसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल की एक और मेटेलिक नेचर से, मेटेलिक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनकी डिवीजन करते हैं। उसमें इसकी तीन कैटेगरीज आती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। मेटल्स हम किसको कहते हैं? द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, के इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड मेटल्स। दे आर नेम्ड एज मेटल्स, के उनको हम मेटल्स कहते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन कौन सी? लेफ्ट साइड, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड लोअर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये चार हिस्से हो गए पीरियोडिक टेबल के, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड लोअर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आर मेटल्स। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और जिस तरह के आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहा है कि
लेफ्ट साइड, मिडल, बॉटम, लोअर राइट साइड, तो मेजर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो हैं दे आर मेटेलिक इन नेचर, वो मेटेलिक नेचर रखते हैं। उसके बाद आ गया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हैं? द एलिमेंट्स विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। दे हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हैज एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। एंड दे फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं उन तमाम के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। इस तरह किसी भी एलिमेंट की नेचर देखने के लिए कि आइदर इट इज़ बेसिक मेटेलिक इन नेचर और इट इज़ नॉन मेटेलिक इन नेचर, तो हम उसके ऑक्साइड्स की नेचर देख सकते हैं। अगर उसके ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक है तो वो मेटल होगा, और अगर उसके ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक है तो वो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल्स कौन से हैं? द अपर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड का ऊपर वाला हिस्सा, दे आर टिपिकल नॉन मेटल्स, के वो नॉन मेटल्स हैं। अब पीरियोडिक टेबल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ से मेटल्स ख़त्म होती हैं और नॉन मेटल्स शुरू होती हैं। ये एक स्टेप की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जो आप कह लें कि तीसरे ग्रुप पे आके ख़त्म होता है और साथ में छठे ग्रुप से शुरू होता है, बहुत छठे ग्रुप की बॉटम से शुरू होता है और तीसरे ग्रुप के टॉप पे आके ख़त्म होता है। ये है एट द जंक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे जो एलिमेंट पाए जाते हैं दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये मेटल्स का करैक्टर भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स का करैक्टर भी शो करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि दे आर सेमी मेटल्स आर मेटलॉइड्स, कि ये सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये स्टेप्स जो हैं आपके सामने स्पेशल कलर से शो किए गए हैं, जो वाज़े तौर पे अलहदा नज़र आ रहे हैं। इनसे ऊपर राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, इनके नीचे लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, और ये मेटलॉइड्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में आते हैं। इनकी पहचान क्या है कि दे आर ऑक्साइड्स आर मोस्टली एम्फोटेरिक इन नेचर, कि इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एज वेल एज बेस, कि वो एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और बेस की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो इस तरह ये इम्पॉर्टेंट फैमिलीज थी पीरियोडिक टेबल की जो हमने स्टडी की। इनको एक दफ़ा फिर हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन सी फैमिलीज हमने स्टडी की हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर उसके बाद लेंथेनाइड सीरीज़, एक्टिनाइड सीरीज़, और फिर उसके बाद अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और हैलोजन्स और नोबल गैसेस, और फिर उसके बाद हमने देखे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी हमने एलिमेंट्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ फैमिलीज और मुख्तलिफ डिवीजन्स के मतलब पढ़ा। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह तरतीब दिया गया, किस बुनियाद पे तरतीब दिया गया, ये हम पढ़ चुके हैं इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें हमने देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अतबार से तरतीब देते हैं तो एक ख़ास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, दोहराई जाती हैं। सो दिस रेपिटिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी।
पीरियडिसिटी लफ्ज पीरियड से निकला है, पीरियड का मतलब होता है इंटरवल, वक्फा, और जो भी चीज़ पीरियडिकली एक ख़ास पीरियड के बाद बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि इसमें पीरियडिसिटी पाई जाती है। तो इसी बुनियाद पर हम पीरियडिसिटी की डेफिनेशन करते हैं, द रेपिटिशन इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। अब पीरियडिसिटी में दो चीज़ें पाई जाती हैं, रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज के एक ख़ास इंटरवल के बाद आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वही हों जो पहले वाले की थी, यानी कि एक ख़ास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोहराई जाएं, इसको हम कहते हैं रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। और रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह क्या है ये अभी हम काज ऑफ पीरियडिसिटी में पढ़ते हैं। दूसरा है वेरिएशन इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट नहीं होती बल्कि ये ग्रेजुअली जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली चेंज होती जाती हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पीरियडिसिटी। तो इस तरह रेपिटिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इट इज़ कॉल्ड पीरियडिसिटी। अब हम देखते हैं काज ऑफ पीरियडिसिटी के, पीरियडिसिटी की वजह क्या है। उसमें पहले नंबर में हम देखते हैं रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, दोहराया जाना। व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज आर द चेंजेस विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, कि जिन चेंजेस में बॉन्ड बनने और टूटने का अमल होता है उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड बनने का प्रोसेस होता कैसे है। इट इज़ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो बेसिक रीजन हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। सो मालूम हुआ कि बॉन्ड बनाने में एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में एलिमेंट्स के कौन से इलेक्ट्रॉन, एटम के कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल ओनली पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ से ये भी बात वाजह होती है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होगी, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन भी सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, एक जैसे बॉन्ड बनाएंगे, एक जैसी वैलेंसी शो करेंगे और एक जैसे केमिकल कैरेक्टर्स शो करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड लिथियम से शुरू होता है, लिथियम से लेके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। अब हम इनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, लिथियम 2 and 1, बेरिलियम 2 and 2, बोरान 2 and 3, कार्बन 2 and 4, नाइट्रोजन 2 and 5, ऑक्सीजन 2 and 6, फ्लोरीन 2 and 7, नियॉन 2 and 8। नियॉन में जाके हम देखते हैं कि द ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर कंप्लीटेड, और आउटर मोस्ट शेल में, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ सकते हैं उनकी वैकेंसीज के मुताबिक, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। जब 8 इलेक्ट्रॉन फेल हो जाते हैं नेक्स्ट शेल शुरू हो जाता है। तो इसमें आप देखें कि लिथियम से जब हम नियॉन की तरफ जाते हैं तो नियॉन में जाके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड नाउ नेक्स्ट शेल विल बी स्टार्टेड। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है
उसके बाद सोडियम आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के आखिरी शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, लिथियम के दूसरे में 1, सोडियम के तीसरे में 1। तो इस तरह हमें पता चला कि 8 एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट आता है, 9वां एलिमेंट आता है, पहले 2 पीरियड्स की सूरत में, बाद में जाके ये चेंज हो जाएगी नंबरिंग, लेकिन पहले 2 पीरियड की सूरत में जो 9th एलिमेंट आता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो पहले वाले की थी। इस तरह आप देखें लिथियम के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। एक शेल कंप्लीट होने के बाद जब दूसरे शेल की फिलिंग शुरू होती है तो उसकी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है जो कि पहले वाले की थी। जिस तरह यहाँ पे देखें लिथियम के पहले में 2, दूसरे में 1, सोडियम के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, मैग्नीशियम के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, बोरान के बाद एल्युमिनियम आता है 2, 8 और 3। इसी तरह आप देखें 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3 के आउटर मोस्ट शेल की वही कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, लाजमी तौर पे उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक जैसी होगी एंड दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अतबार से तरतीब देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं, तो एक ख़ास इंटरवल के बाद एक शेल कंप्लीट हो गए, दूसरा शेल शुरू होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही रिपीट होती है जो पहले वाले शेल की थी। तो इस तरह रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी और एक ख़ास इंटरवल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। क्यों रिपीट होंगी? ड्यू टू रेपिटेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, के जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार रिपीट होती जाएगी, इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बार बार रिपीट होती जाएंगी। और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे हैव ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज, और इसीलिए हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं, इसीलिए उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। सो दैट वॉज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, के रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है, दोहराई जाती है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑल्सो रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। उसके बाद दूसरा फैक्टर आ गया वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरली डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं और उनके साइज पे डिपेंड करती हैं। और एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पीडीएम में देखें या ग्रुप में देखें ग्रेजुअली चेंज होता जाता है। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ग्रेजुअली चेंज होती जाएंगी। सो दिस इज द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और द रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी को हम पीरियडिसिटी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पीरियडिसिटी, अलग से डेफिनेशन आती है, और काज ऑफ पीरियडिसिटी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द बेसिक काज ऑफ पीरियडिसिटी फाउंड इन द पीरियडिक टेबल। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनको एक हम बर्ड आई व्यू पायराना नज़र से देख लेते हैं कि आज हमने फैमिलीज़ के मतलब पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी अहम फैमिलीज़ हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा पीरियोडिसिटी एंड काज ऑफ पीरियोडिसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे पीरियोडिक
properties and the trend of change in periodic properties in the periodic table. Next lecture mein iske mutalliq shuru karenge. That is all for today's lecture. Khuda hafiz.